ये भी शासन जो बने आरएस पुरा की ओर से एक हृदय से जो खुशी हुई कि हमारे बीच में रोज, चाहे वो सनातन की सेवा हो, देश की सेवा हो, बॉर्डर की सेवा हो, सरहदों के ऊपर किसी को समस्या ना आए, इसी को लेकर के जो धरातल भूमि पे काम करने वाले लोग हैं, अग्रसर लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा सम्मान जो है आरएस पुरा को दिया, जिसमें विशेष रूप से हमारे सुरजीत सिंह सरपंच जी, जो पंचायती राज में तो काम करते ही थे, फ्लोरा के नौजवान सरपंच हैं, उनको पंचायती राज सेल का कन्वीनियर जो है प्रदेश का बनाया गया। उन्हीं के साथ गुरदीप सिंह सैनी जी, जो महामंत्री का पद पहले ग्रहण पंचायती राज में थे, अखिल भारतीय पंचायत संघ में भी थे, उनको पंचायती राज का को कन्वीनियर जो है संगठन ने बनाया है। और इसी के साथ हमारे पूर्व में जो हमारे नेता, और मैं समझ सकता हूँ जो पूर्व सैनिक भी हैं और जाट समुदाय में एक अच्छा नाम रखने वाले पूर्व में सरपंच रहे, और वर्तमान में इनको यहाँ बॉर्डर सेल का को कन्वीनियर जो है मनोनीत किया है प्रदेश का, मैं चौधरी महेंद्र जी को भी बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ हमारे सरपंच पुरोपाना, जो कि मैं समझता हूँ कि जहाँ किसको इनकी पहचान करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये उपाध्यक्ष जो हैं हमारे बॉर्डर के सुचेतगढ़ मंडल के, इनको बनाया गया। इसी के साथ सरपंच श्री गाराराम जी को, जहाँ पे एससी मोर्चे का जो जिम्मेवारी दी गई, मैं समझता हूँ कि लगता है कि संगठन के अंदर और मजबूती आए, जो संगठन का विषय है संगठन के साथ रहे, लेकिन श्री राधा माधव ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते एक जिम्मा बनता है कि जो लोग सनातन की सेवा, देश की सेवा और अपने अपने धर्म में रह करके बाकी धर्मों का मान सम्मान करे, उनका सम्मान करना हमारा एक विषय रहता है। तो मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ आपके संगठन को भी, और जो लोग बने हैं, माँ भगवती करे, माँ वैष्णो देवी करे, इनकी लंबी उम्र हो, सेहत ठीक रहे, और संगठन की भी और समाज की भी सेवा इसी तरह करते रहें। शादव राव ट्रस्ट के चेयरमैन मंत बिट्टू जी को की सरसा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें असम्मानित किया है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उनका शुक्रिया करता हूँ। विशेषकर हमारे जो प्रधान श्री रैना जी हैं, जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि पंचायती राज सेल में को कन्वीनियर एज ए काम करने के लिए, मैं उनके विश्वास को पूर्ण करने के लिए दिन रात काम करूँगा पंचायती राज सेल में, और बाकी भी जो कि पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी जो स्कीमें लाई हैं धरातल तौर पंचायती राज में, जो ये स्कीमें हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको कि हम कामयाब बनाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, और विशेषकर मैं कि राजेश बिट्टू जी का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन समय समय पर हर जगह पे किया, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज विशेषकर इन्होंने हमारी टीम को जो कि हानर किया है, उसके लिए भी मैं इनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राधा माधव ट्रस्ट के चेयरमैन श्री राजेश गिरी जी महाराज का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ। जैसा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कन्वीनर पंचायती राज का हमें नियुक्त किया गया, उसके तहत ही आगे की जो भी रणनीति है, कैसे हमें चलना है, उसके लिए आज हम महंत श्री राजेश गिरी जी महाराज का आशीर्वाद लेने आए थे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन्होंने जो हमें मान सम्मान दिया है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि सनातन के प्रति, अपने देश के प्रति, जहाँ भी जो भी हमारी जिम्मेवारी है, हम उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और अपने संगठन को और मजबूत करेंगे।
जो फंक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ दिन पहले बॉर्डर सेल का मुझे को कन्वीनर बनाया है और हम पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे महंत जी जो हमारे यहाँ के नेता भी रहे हैं और अभी महंत जी हैं, इनके आशीर्वाद के लिए सुरजीत सिंह और मैं चौधरी महेंद्र सिंह और हमारे शैनी साहब और गारा जी, ये सभी ने इनको महंत जी ने आशीर्वाद दिया है और अपने चेयरमैन साहब भी हैं यहाँ, तो इनका आशीर्वाद या अपने इलाके के तौर पर इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि पार्टी के काम के बीच में आए हैं और हम ज़रूर पार्टी को मजबूत करने के लिए और पूरा कार्य करेंगे, जो हमें ड्यूटी सौंपी गई है उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो मेरे साथ हमारे जहाँ के मार्गदर्शक महंत राजेश बिट्टू जी महाराज, क्योंकि जे हम सब का मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पे और सबको मिलकर के चलाते हैं, तो इन्हीं के आशीर्वाद से सब आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो पद पे नियुक्त किया गया है वो महंत जी ने सारा विस्तार से बता दिया है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन एक बड़ी बात पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जो कि पीआरआई मेंबर मेरे सरपंच साहिबान से ही जे स्टेट लेवल पे इतनी बड़ी पोस्टें जो दी गई हैं, तो ऐसा लगता है इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है खास करके सरपंचों को, तो सरपंच भी मेरे ब्लॉक से चुने गए हैं और ये बड़ा खुशी का मौका है और पार्टी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सरपंच साहिबान को सोचा कि जे पार्टी को चलाएंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, तो पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं सबको अपनी तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं और ये भी आश्वासन देता हूं कि जे महंत जी की जितने इनके आशीर्वाद के नीचे रह करके बहुत बढ़िया काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। और हम भी इनके साथ हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः एक बार फिर पार्टी के आला अधिकारियों को एक बार मुबारकबाद भी देता हूँ अपनी तरफ से और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि सरपंच साहिबान को ये जो मौका दिया है ये बहुत बढ़िया कदम है।